हेलो हेलो जी, गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर हो रहा था इवनिंग का समय, और यहाँ पर मैं धनिया पत्ती को जो है धनिया पत्ती रखी हुई है आगे, और जो है फली सेमी होती है ना वो है, तो सेमी की सब्जी बनाना है और धनिया पत्ती के ना बड़े बनाना है। आज काफ़ी दिनों के बाद मतलब धनिया पत्ती में ना सस्ती में भी बिक रही थी तो ले लिए, और 20 रुपये की जूड़ी है ये, तो इसमें ना बहुत ज़्यादा धनिया पत्ती था, तो इसके बड़े बनाएंगे, बहुत टेस्टी बनते हैं। और यहाँ पर देखिए, आज तो ना सारा मूड मेरा ख़राब हो गया है, कि वैसे तो आपने देखा है स्टार्टिंग में, जो एंड तक के बने रहिए आपको पता चल ही जाएगा कि क्या हुआ था। सो आज ना बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है मेरे पति के साथ में मेरा, तो इस वजह से मेरा मूड भी अपसेट हो गया है। और देखिए अभी ना मैं ये सारा काम कर ले रही हूँ, धनिया पत्ती को तोड़कर अच्छे से धोकर उसे मैं काट लूँगी बारीक बारीक, और फिर इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा, इसमें जाएगा चावल का आटा और क्या बोलते हैं इसको, जो होता है ना हम प्याज टमाटर और हरी मिर्च और लाल मिर्च पाउडर, अगर आप हरी मिर्च स्किप करते हैं तो लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, और नमक हल्दी वगैरह ये जो होता है ना सब वही जाएगा। और यहाँ पर मैं तैयारी कर ही रही थी मैं, और ये मैंने देखा तो यहाँ पर ना लाल मिर्च पाउडर ही ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने स्टॉप कर दिया सारा कुछ यहाँ पर। तो फिर मैंने ना ये बर्तन रखे हुए थे, तो मैंने बर्तन लगा ले रही हूँ और वेट कर रही थी। मैंने इनको कॉल किया कि लाल मिर्च पाउडर ख़त्म हो गया है, ध्यान में भी नहीं था मेरे, तो आपको बताया था मैंने, तो आप लेकर भी नहीं आए, तो बोले मेरे भी ध्यान से निकल गया, तो फिर इन्होंने देर लगा दी आने में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं बर्तन लगा ले रही हूँ तब तक के लिए, और मेरे सर में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, इतना ज़्यादा पेन हो रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मैंने ना चाय भी बना लिया है यहाँ पर, अभी चाय पीकर मैं देखती हूँ कब तक ये आते हैं। मेरा माइंड इतना मतलब ये हो गया था कि मतलब हम सारी चीज़ की तैयारी करके रखे और एक सामान के लिए वेट करना पड़े ना बहुत, तब तो ना मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मुझे पता नहीं, मैं मतलब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ होती है। और फिर ये लेकर आ गए थे बहुत टाइम के बाद में, तो उतने टाइम में मैं क्या ही करूँ यार, खाना कितने बजे बनाऊँ, बेटे को जल्दी खिलाना भी पड़ता है, तो उसी चक्कर में ना मेरे हाथ से ना मेरे बेटे को लग भी गया, मतलब लग गया, मैं जानबूझकर नहीं किया मैंने, वो छेड़खानी कर रहा था और मैं चिड़चिड़ सी हो गई थी, तो इस वजह से ना, तो फिर मैं उससे ना वो सरसों का तेल लगाकर दे रही थी और सेक रही थी। और ये देखिए, यहाँ पर मुझे मनाने के लिए यहाँ पर सब्जी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे तो आएंगे नहीं और बनाएंगे नहीं, मतलब बनाते हैं बट जब मूड रहा तब। तो अभी देखिए, मैं इनको लगा कि ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए ना ये गए और उधर मतलब उधर बहुत ज़्यादा टाइम ही लगा दिया था इन्होंने, तो इस वजह से फिर ये आते हैं ना बहुत ज़्यादा देर से, तो फिर ये सब काम मतलब इनको ऐसा लगता है कि नहीं, इसको मनाने के लिए थोड़ा सा इसकी हेल्प कर देना चाहिए, इस वजह से ये करते रहते। और यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, और ये भी मतलब मेरे को मनाने में ही लगे हुए थे, तो बस वही चल रहा था। और हमारे बीच में ये सब चलते रहता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में चलते ही रहता है। सो देखिए, बहुत मुश्किलों के बाद मैं सोच रही थी कि मैं नहीं बनाऊंगी ये सब बड़े, पर क्या है ना, सब सारा कुछ काट पीट कर हो चुका था, तो फिर मैंने सोचा नहीं, ये ख़राब होने से अच्छा है पहले इसे भिगो कर रख देते, भले ही फ्रिज में रख देंगे नहीं बनाकर हुआ तो फिर सोचा चलो जाने दो ना, क्या ही मूड ख़राब करना है और बना ही लेते हैं। तो फिर ना मैंने थोड़ा सा ही यहाँ पर निकाले हुए हैं, और ये ना हमेशा छेड़ते रहते हैं, मुझे ना काफ़ी चिड़चिड़ हो जाती है, क्या ही करूँ अब मैं, इतनी चिड़चिड़ हो ही जाती है। तो देखिए, मैं यहाँ पर ना चावल का आटा डाल रही हूँ, यहाँ पर मैंने प्याज और टमाटर डाल दिया था, और ये देखिए बार बार आ रहे थे मुझे छेड़ने के लिए। सो मुझे ना कभी कभी ये सब ना मतलब अच्छा ही नहीं लगता है, बट क्या ही करें, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। सो यहाँ पर देखिए, मैं ये भिगो कर रख रही हूँ, और ना यहाँ पर बड़े निकालूँगी गरम गरम। सो मैंने इनको भी चिढ़ाया, फिर बोला मैं नहीं निकालती आपके लिए, मैं खुद के लिए निकाल लूँगी। सो वैसा कुछ हुआ नहीं वैसे तो, टाइम ज़्यादा हो गया था तो ऐसा था कि मतलब खाकर भी नहीं होता उतना टाइम ज़्यादा हो जाए तो, सो इसलिए ना फिर थोड़ा सा ही निकालें
और थोड़ा ही खा लेंगे। और फिर सब्जी इन्होंने ही बनाई है आज सेमी की। मैंने जो काट पीट कर सारा कुछ रेडी करा था बनाने के लिए रख दिया था, तो फिर लेट हो गया, इन्होंने ही बनाया है। और चावल रख दिया साइड में, रोटियां हैं तो रोटियों को सेक लेंगे। और बड़े देखिए इतने अच्छे लगते हैं ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और ये विंटर के सीज़न में ना बहुत ही स्पेशल और बहुत ही अच्छी डिश है, बहुत ही अच्छी लगती है विंटर के स्पेशल विंटर के दिनों में स्पेशल ये बनाओ तो बहुत टेस्टी लगते हैं। और बताइएगा आप लोग, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, करते नहीं हूँ, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कैसे लगे बड़े बड़े जो भी बोलते हैं आप। बहुत ज़्यादा हरे हरे बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। हम लोग यहाँ पर गरम गरम खाएंगे, बाबू को दे दिया है खाने के लिए और इनको भी खिला रही हूँ साथ में। और मैंने बोली और बनाऊँ क्या, तो नहीं बोले और खुद ही निकालने लगे देखो। बस इसके बाद हम रख देंगे और नहीं बनाएंगे क्योंकि ज़्यादा नहीं खा के होगा। तो देखिए इस तरह का था आज का ये वीडियो मेरा, छोटा सा था, कैसा लगा ज़रूर बताइए। और हस्बैंड वाइफ में ऐसा होते रहता है, अगर ऐसा ना हो तो फिर प्यार भी कम नज़र आता है। तो बस वैसे ही है और ऐसी ही होती है हमारी लाइफ भी, मतलब चिड़चिड़ाहट हो जाती है यार, ज़्यादा कोई चिड़ाए मतलब ऐसे समझो ना, बात को समझ सकते हो अगर एक हाउस वाइफ हो तो। चलिए इसी के साथ आज का हमारा ये व्लॉग भी मस्ती भरा ख़त्म होता है। और देखिए काफ़ी ज़्यादा मतलब ये ना चिढ़ा रहे थे मेरे को, और फिर मैं मान भी गई थी आखिरी में। चलिए अभी वीडियो का करते हैं एंड, तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।